पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के महानगर की पौष कॉलोनी आकाश रेजिडेंसी के लिफ्ट में एक व्यक्ति के पालतू कुत्ते ने महिला पर हमला कर दिया। मालिक के कुत्ते के गले में बंधी बेल्ट खींच लेने से वो बाल बाल बच गई। कॉलोनी में पिछले 4 दिनों से 7 लोगों पर पालतू कुत्तों के द्वारा हमला किया जा चुका है। गनीमत रही है कि मालिक के साथ होने के कारण दूसरे लोगों को क्षति नहीं पहुंची। कुत्तों का आतंक शहर की आम गलियों से लेकर पौष कॉलोनियों तक देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि पालतू कुत्तों के व्यवहार में भी अचानक परिवर्तन हुआ है। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कॉलोनी में कुत्ता पालने वाले परिवारों से सावधानी बरतने और वैक्सीन लगवाने की अपील की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष शोभित गुप्ता ने बताया कि कॉलोनी में 380 परिवार रहते हैं। इनमें से 39 घरों में कुत्ते पाले जाते हैं। शहर की बात करें तो पिछले एक सप्ताह में जिला अस्पताल में कुत्तों के काटने के लगभग 350 केस आए हैं, जबकि रोजाना कुत्तों को वैक्सीन लगवाने के लिए 3 से 4 लोग भी पहुंच रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शोभित गुप्ता है। शोभित जी, आप कौन सी सोसाइटी में रहते हैं, क्या पता है? हम आकाश रेजिडेंसी सोसाइटी है, कांट रोड पे, हम वहाँ पे रहते हैं। मैं यहाँ पे अध्यक्ष पद पे हूँ। सोसाइटी का अध्यक्ष शोभित जी, एक वीडियो सामने आई है जिसमें एक डॉग जो है वो एक महिला के ऊपर अटैक करते हुए दिख रहा है लिफ्ट के अंदर जी। क्या पूरा प्रकरण है, क्या आपके संज्ञान? उसमें पूरा प्रकरण ये है कि वो जो लेडी थी वो अपने फ्लैट से नीचे पार्क में जा रही थी बच्चे को घुमाने के लिए। तो एक फ्लोर पे लिफ्ट रुकती है तो वहाँ के जो डॉग के जो स्वामी हैं वो अपने कुत्ते को टहलाने के लिए नीचे लेके जा रहे थे। तो एकदम उन्होंने क्या किया, अपने आप देखने से पहले कि लिफ्ट में कोई है या नहीं है, उन्होंने पहले डॉगी को एंटर करवा दिया, जिससे कि क्या है, वो डॉगी जो था काफ़ी बड़ा डॉगी था और खूंखार जानवर था वो, बिल्कुल कुत्ता था, और उनके ऊपर वो झपटा और काफ़ी उनको चोटें आने से बची हैं, एक बड़ी होनी होने से बची है। आप देख भी रहे हैं लगातार जो है ये मामले सामने आ रहे हैं, चाहे गाज़ियाबाद हो चाहे नोएडा हो और भी कई जगह से सामने आ रहे हैं। आप क्योंकि सोसाइटी के आप प्रेसिडेंट हैं, क्या आपकी गाइडलाइन है? हमारी गाइडलाइन ये है जो हमने यहाँ पे निकाली है, हमने सभी जितने भी डॉग के जो ओनर हैं जिनको जो कुत्ते पले हुए हैं, हमने उनसे कहा है कि आप अपने डॉग के ऊपर मुंह के ऊपर एक मास्क लगा के रखें, और हमने यहाँ पे एक नोटिस भी लगवाया है, डॉग के ऊपर एक मास्क लगा के रखें डॉग के मुंह पे, और उनको टहलाने के लिए सोसाइटी के अंदर ना टहलाएं, बाहर की तरफ लेके जाएं जहाँ से सोसाइटी के जो कॉमन एरिया है वहाँ पे गंदगी ना हो, और लिफ्ट का यूज़ ना करें। वीडियो आपकी क्या कहा है ना? वीडियो हमारे यहाँ का ही है। आपने क्या संबंध में कोई शिकायत वगैरह भी करी है? अभी हम नगर आयुक्त जी के पास गए थे, वहाँ पे हम अपना एक ज्ञापन दे के आए हैं कि वो अपने स्तर से इस पर उचित कार्रवाई करें, क्योंकि हमने तो जो यहाँ पे सोसाइटी के जितने भी ओनर्स हैं उनसे हमने कह रखा है, कुछ लोग हमारी बात को मान भी रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मान रहे हैं। सोसाइटी की तरफ से क्या एक्शन है? सोसाइटी की तरफ से यही एक्शन है कि अब हम अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो हमारी यही वो है कि वो अपने कुत्ते को या तो बाहर करें या वो अपने घर के अंदर उसको घुमाएं फिराएं, जो करना है वो करें, उससे हम अपने बच्चों को अपने बुजुर्गों को होनी नहीं होने देंगे। मतलब हमें माने कि आप लोगों की तरफ से पूरी सोसाइटी की तरफ से ऑब्जेक्शन है? पूरी सोसाइटी की तरफ से ऑब्जेक्शन है, सब में एक रोष है, बच्चे डरे हुए हैं, बुजुर्ग नीचे आने से डर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने जो डॉग के ओनर हैं उनसे हमने कह रखा है कि आप लिफ्ट का यूज़ ना करें, वो लिफ्ट का यूज़ कर रहे हैं और आए दिन कोई ना कोई बड़ी समस्या बनती आ रही है। इससे पहले भी ये हादसे हुए हैं? इससे पहले भी कम से कम 4-5 बार हादसे हो चुके हैं ये। अभी हाल फिलहाल में ही काफ़ी हुए हैं, 4-5 अभी हुए इसी महीने में कम से कम 4-5 केस ऐसे हो चुके हैं जो कुत्तों ने लोगों पर हमला किया है। वो तो अभी ये है कि बड़े लोग हैं, किसी बच्चे के ऊपर हमला नहीं हुआ है, तो हम उसी घटना से बचने के लिए कि आगे कोई बड़ी घटना ना हो, हम इसलिए हम प्रशासन के पास गए थे। आज कौन से गेम का मामला था ये? टावर 2 का मामला था आज। सर आपका? शर्मा जी नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र कुमार अग्रवाल है, मैं इस आकाश रेजिडेंसी सोसाइटी कांट रोड मुरादाबाद का निवासी हूँ, और यहाँ पर इधर आकर कुछ कुत्तों की जो मीनेस है, जो कुत्तों की डर है, वो बहुत बढ़ गया है। लोग बाग ना तो मजल लगा रहे हैं, जो गाइडलाइंस उत्तर प्रदेश सरकार की हैं उनको नहीं मान रहे हैं, नगर निगम से जो लाइसेंस लेना चाहिए उसको नहीं मान रहे हैं, जो समय समय पर वैक्सीनेशन होना चाहिए उसको नहीं मान रहे हैं। हालांकि 25-30 घरों में जो हैं उसमें से काफ़ी लोग हमारी बात को सहमत भी हो गए हैं,
और वो मजल लगा के निकलना भी शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं अभी भी जो इस बात को नहीं मान रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। इसीलिए हमने आज नगर पालिका को, नगर निगम को एक एप्लीकेशन दी है और उनसे गुहार लगाई है कि आप इस काम में कोई कार्रवाई करें, क्योंकि आप हमारी सरकार हैं मुरादाबाद शहर की। ये जो आज पूरा मामला जो सामने आया है वीडियो का, ये वीडियो यहीं की है? जी हाँ, टावर 2 की है ये वीडियो जो मीडिया में आई हुई है। जो महिला है उनके ऊपर कुत्ते ने अटैक करा है, वो महिला ऑलरेडी थी, ऊपर से आ रही थी नीचे को 10th फ्लोर पर, उसको बटन दबाकर रोका गया जैसे रोकते ही हैं। उसमें जो डॉग है उनका, जो बाहर थी उनका डॉग जो है वो पहले अंदर आ गया और वो अंदर वाली महिला पर झपटा है। उसके बाद उन्होंने उसको खींचने की कोशिश की है, जैसे तैसे दोनों ने मिलकर उसको बाहर किया है और एक बड़ी मिसहैपनिंग होने से बच गई है। हम ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। आप सोसाइटी के सीनियर हैं, ये पहला मामला है या इससे पहले भी और? पहले भी हो चुके हैं, लेकिन चूंकि ये उत्तर प्रदेश लेवल पर अब मामला उछला है तो इस समय बहुत अपॉर्चून टाइम था इस बात का कि इस बात का रिड्रेसल फुल एंड फाइनल रूप में कर दिया जाए। कितना खतरा मानते हैं? बहुत खतरा है, लेडीज़ को, बच्चों को, बुजुर्गों को जो नहीं भाग सकते, नहीं दौड़ सकते, और जो हार्ट का पेशेंट है उस पर अगर अकेले डॉग ने उसको घुर्रा के ऐसे करके देख लिया तो ये हार्ट फेल का केस भी बन सकता है। और उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है कि वहाँ लिफ्ट के अंदर किसी पालतू कुत्ते के द्वारा किसी महिला के ऊपर अटैक किया गया है। इस घटना की जांच पशु कल्याण अधिकारी और सहायक नगर आयुक्त के माध्यम से कराई जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। मैं यहाँ आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत धारा 182 में ये प्रावधान है कि जो भी पशु पाले जाएंगे उनके संबंध में एक उपविधि बना करके उनका विनियमन या रेगुलेशन किया जाएगा। परंतु मुरादाबाद शहर में अभी तक इस प्रकार की कोई उपविधि प्रचलन में नहीं है और इसके लिए माननीय सदन का अनुमोदन आवश्यक है, लेकिन हम इस दिशा में आवश्यकता को देखते हुए तत्काल कार्यवाही आरंभ कर रहे हैं और अन्य निगमों में भी इस प्रकार के जो प्रोटोकॉल्स या उपविधियां बनाई गई हैं उनका भी अध्ययन करने के लिए एक समिति मैंने आज ही बनाई है। जल्दी से जल्दी इसका हम अध्ययन करके एक उपविधि माननीय सदन से पास करा करके पूरे शहर में लागू करेंगे। जहां एक तरफ हमें पशु क्रूरता संबंधी गतिविधियों का निवारण करना आवश्यक है, वहीं हमें ये भी देखा जाना होगा कि जो पशु स्वामी पालतू पशु पाल रहे हैं वे अनावश्यक रूप से शहर को गंदा न करें, आसपास में अपने पड़ोसियों या अन्य स्थानीय निवासियों के ऊपर हमला न करें। इस सब को इन्फोर्स करने के लिए बहुत जल्दी एक कठोर नियमावली पूरे शहर में लागू की जाएगी। आकाश रेजिडेंसी कल्याण समिति नाम से एक समिति है, उस समिति के पदाधिकारी थे, उन्होंने एक रिटन मेमोरेंडम मुझे दिया है।